अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द न्यू वीडियो व्लॉग। एक महीने के बाद, एक महीने का पूरा प्लान बनाने के बाद ना खजल होने के लिए ये गुलाम भाई हमें लेके आ गए हैं आरफ वाला में। तकरीबन एक माह से इन्होंने रट लगाई हुई थी कि चलें आरफ वाला में ना खाना खाने के लिए। रख दे भाई। हेलो, तकरीबन ना एक महीने से कह रहे थे कि वहाँ पे मछली और चावल की एक डिश होटल है, एक वहाँ पे जाके हम खाते हैं। तो एक महीना पूरा खज्जल होने के बाद हमने आज अचानक से मगरिब के बाद प्रोग्राम बनाया कि हम चलते हैं और वहाँ पे जाके ना मछली खाते हैं। तो अचानक से निकले हैं और अचानक से आ गए हैं और अचानक से मछली भी बन के जो अभी थोड़ी देर में आ रही है खाने। यहाँ पे हम मछली आए हैं जिसका हमने सुना था कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बनती है, बिल्कुल बोनलेस है, जिसके अंदर बिल्कुल भी एक भी कांटा नहीं है। ये जनाब का ये कहना है, लेकिन अभी मछली आएगी और हम खाएंगे और देखेंगे। फिलहाल तो ये रायता सलाद ही तो नहीं जा रहे हैं, बस करो। अच्छा भाई जान, तुम कितनी को बारी आके खाधी मछली? दो मिनट के बाद माशाल्लाह इन्होंने अगले मंथ जाना है, उसकी भी ट्रीट लेनी है, तो वो यहाँ पे नहीं लेनी है, वो कहीं और लें। ये हाफिज साहब है, मैंने तो नहीं खाया अभी तक, मैंने सिर्फ खीरे खाए हैं। और क्या खीरा है यार, क्या खीरा है। मछली ग्रिल होने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे कटिंग शटिंग करके मछली के पीस बना के उसको मसाला वगैरह लगा के, तो अभी यहाँ पे ये ग्रिल होने के लिए रेडी है। लेकिन जानू कैसे मजा ना आया ना, तो कैसे नहीं आ रही ये होटल है जी, तस्कीन नाम है इस होटल का। और हमें इसकी लोकेशन का पता नहीं है क्योंकि हम लोकेशन लगा के आए हैं। एग्जैक्ट पता नहीं है कि यारह वाला में किस जगह पे है, लेकिन हम लोकेशन लगा के यहाँ पे आए हैं। और इनकी एक पोस्ट देखी थी हमने एक ग्रुप के अंदर, एक भाई ने लगाई हुई थी कि इनकी मछली और राइस की डिश है जो वो बहुत ही लेवल की है। फाइनली 1000 घंटा वेट करने के बाद 1000 ये है जी फिश और साथ चाइनीज चावल, ये डिश है इनकी। असल में ये प्रैंक हो गया हमारे साथ। ये प्रैंक ये हुआ जी, हम समझ के आए थे मछली ग्रिल फिश हम खाएंगे जिस तरह से वहाँ खाते हैं हम रोटी, लेकिन ये इनकी डिश है राइस, चाइनीज राइस और साथ में फिश और साथ में ये रायता और चटनी वगैरह। इसके ऊपर मस्टर्ड सॉस लगाया हुआ है और मसाले में अच्छी तरह से इसको लपेटा हुआ है, और इसका टेस्ट इस तरह से है जैसे अंडे की जर्दी होती है, मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। यहाँ पे मैं आपको इसका एक बाइट बना के दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आराम से बैठ के कैमरा रख के खाता हूँ इसको। पहले डालेंगे थोड़ा सा रायता और थोड़ी सी चटनी जो इनकी गार्लिक चटनी है, और साथ में इसको मिक्स करके एक बाइट थोड़ा सा हम तोड़ेंगे फिश का, उसको तोड़ के और इसका एक स्पून बनाएंगे एक प्यारा सा और फिर उसको खाएँगे। अगर आप लोगों ने भी खाना है तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। खाना खा लिया था हमने और जो हमारा पेट है, मेरा पेट है स्पेशली, वो पेट से लेकर गले तक सारा खाना भरा हुआ है, इतना ज़्यादा खा लिया क्योंकि मैंने अपनी प्लेट भी खा ली और हाफ हाफ प्लेट इन लोगों के साथ भी थोड़ा थोड़ा मैंने ले लिया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी। साथ में पी थी हमने स्प्राइट की कोल्ड ड्रिंक, लेकिन मेरा दिल अभी चाय पे कर रहा है। इस शहर के अंदर रुक के चाय नहीं पी सकते, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी भी 11:30 हो रहे हैं और ये वाला रोड रास्ता जो पाकपतन की तरफ जाता है ये भी सेफ़ नहीं है, तो इस वजह से सोचा कि अपने शहर में चल के चाय पियेंगे। लाइफ बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इसको अच्छे कामों में गुजारना चाहिए और स्पेशली मनपसंद चीज़ जो भी आपको अच्छी लगे उसको ज़रूर खाना चाहिए। एक दफ़ा अगर अल्लाह पाक ने आपको सता दिया, कंजूसी वगैरह नहीं करनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखें और खुला खुला रिज़्क दें, हर बंदे को ही अल्लाह पाक खुला रिज़्क दें, आमीन जी। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।